हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या मनुष्य के अलावा पौधे और जानवर भी बुद्धिमान होते हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है, काफी बुक्स लिखी गई हैं, करेक्ट? तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि मनुष्य के अलावा कौन कौन इंटेलिजेंट हो सकता है। देखो, एक तो एनिमल्स हो सकते हैं, करेक्ट, एक प्लांट्स हो सकते हैं और मशीन्स हो सकती हैं, मशीन्स। ये तीन बेसिकली कैटेगरी हैं जिन पे अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर एनिमल के बारे में बात करें तो इसमें एनिमल में कौन आ सकता है? जैसे चिंपांजी आ गया, ओके, चिंपांजी, चिंपांजी आ गया, एप्स आ गया, करेक्ट, लंगूर की प्रजाति में एप्स आ गया तुम्हारा। और कौन हो सकता है? डॉल्फिन हो सकती है, उसके बारे में बात करें तो। और कौन? डॉग्स हो सकता है, करेक्ट, रेट्स हो सकता है, पैरट हो सकता है, ओके, कुछ मात्रा में तुमने मूवीज देखी होंगी, एलिफेंट हो सकता है, काफी इंटेलिजेंट है। तो इन एनिमल्स में कुछ ना कुछ मात्रा में तुमको एक इंटेलिजेंस लेवल दिखता है, इनमें एक बोधन की, समझने की क्षमता दिखती है, ओके, कोई भी सिचुएशन को समझ के और उसके प्रति रिएक्शन करने की क्षमता दिखती है। तो ये जो चार, ये जो एनिमल के अंदर जो दिखती है, ओके, इसके ऊपर काफी स्टडी हुई है, बहुत सारे एनिमल्स को ले लेके स्टडी किया गया है कि आखिर क्या ये जो इंटेलिजेंस के जो पैरामीटर हैं उन पर किस लेवल तक खरे उतरते हैं। मनुष्य के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस मनुष्य के काफी अच्छे लेवल तक ये एनिमल्स वो इंटेलिजेंस को शो करते हैं, ओके। प्लांट्स पर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। प्लांट्स में क्या इंटेलिजेंस होती है? प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो तुमको लगा होगा छुई मुई का पेड़, ओके, तो जो छुई मुई का पेड़ है, क्या छुई मुई का पेड़ बेसिकली इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है? देखो, छुई मुई के पेड़ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अगर मान के चलो कि तुम सन में गए, ओके, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, मई जून है, दिल्ली में गए, ओके, और दिल्ली में तुमने जैसे ही बाहर निकले दोपहर में, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। अब ये बताओ, जो लाल जो चेहरा हुआ है, क्या वो तुमने किया है या ऑटोमेटिकली हो गया है? तो ये ऑटोमेटिक हुआ है, तुमने नहीं किया है, तुम्हारी बॉडी का वो रिस्पॉन्स है उसको लाल करने का, ओके, तो इसमें तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो छुई मुई का सिकुड़ जाना टच के कारण इंटेलिजेंस का संकेत नहीं है। इंटेलिजेंस का संकेत जैसे कि सनफ्लावर में दिखता है, सूरजमुखी के फूल में। तो सूरजमुखी का फूल क्या करता है? सबसे पहले लोकेट करता है कि सन कहाँ पर है, ओके, और अपने आप को तुरंत रोटेट कर लेता है सन की डायरेक्शन, ओके। तो ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट होने का तरीका है। प्लांट्स के ऊपर काफी रिसर्च हुई है, लेकिन कोई भी कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है कि सही में वो इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं। हो सकता है रिसर्च चल रही है इन पर, 5-10 साल में हमारे पास कंक्लूडिंग एविडेंस हो। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि कुछ 10-15 साल पहले मुंबई में हुआ था, जहां पर क्या किया कि एक मनुष्य, एक साइंटिस्ट था, उसने अपने बागान में दो तरीके के पेड़ लगाए, ओके, जैसे पेड़ ए, ओके, और ये वाला पेड़ दो, ओके, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। अब पेड़ ए और पेड़ बी को उसने सेम खाद दी, सेम मिट्टी में लगाया, सेम पानी दिया, सेम धूप, सेम हवा, सब कुछ सेम दिया, करेक्ट, सब कुछ सेम था। बस अंतर किस चीज में था कि वो ए वाले पेड़ के पास जाके उससे रोज पूछता था, जाके डिस्कस कर, और कैसा रहा आज का दिन, ओके, धूप ज्यादा तो नहीं लगी, पानी सही था कि नहीं था, करेक्ट, और तुम फूल कब दे रहे हो, ओके, और ऐसे उससे बात करता था, और बी से वो नहीं करता था। और उसमें उसने प्रूव किया, करेक्ट, उसकी स्टडी से ये प्रूव हुआ कि जो ए का जो ग्रोथ था वो बी के मुकाबले में काफी अच्छे तरीके से हुआ। मतलब जो ग्रोथ का जो रेट था, ए का ग्रोथ का रेट ज्यादा था बी के ग्रोथ से, ओके। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि अब ये समझ में नहीं आ पाता है इससे कि क्या प्लांट सही में इंटेलिजेंट है या वो इमोशंस को अच्छे से समझती है, ओके। तो इस पर अभी स्टडी चल रही है और हमारे पास कोई उतने कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है कि हम बिल्कुल
100% एक्यूरेसी के साथ बता सकें कि उनका क्या हो सकता है। करेक्ट। अब तीसरी चीज है मशीन। ओके, तो मशीन क्या मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट है? जनरली लोग बोल रहे, अभी हम न्यूज में देखते हैं या लोग भी बोलते हैं काफी कि मशीन तो आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गई। देखो मशीन क्या है, मशीन बेसिकली तुमने 3 इडियट्स में सुना होगा, कोई भी चीज जो तुम्हारे कार्य को सिंप्लीफाई करती है, ओके, तुम्हारे एफर्ट को सिंप्लीफाई करती है, उसको मशीन बोलते हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए। करें, हमने डिस्कस किया था, पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी कि उसके पास लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज कि वो समझ पाए, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रिहेंड। तीसरी चीज उसके पास एक्सट्रैक्शन की करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कंसेप्चुलाइज कर पाए। चौथी चीज की वो सिचुएशन हैंडलिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सिचुएशन हैंडलिंग एबिलिटी। तो अगर ये 4 चीजें हैं तो वो चीज उसके पास इंटेलिजेंस की एबिलिटी है। अब मशीन के पास लॉजिकल रीजनिंग तो आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोडिंग कर दी है। कैलकुलेटर जैसे अगर हम बात करें, हमने कोडिंग कर दी है, वो मनुष्य से फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है, करेक्ट, अपने एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट हो गया? नहीं। इंटेलिजेंस के पैरामीटर में वो चारों पैरामीटर आने चाहिए। ओके, तो मशीन लॉजिकल रीजनिंग में तो काफी आगे जा चुकी है। अब अगर हम बात करें कि चीजों को समझना और उनको कंप्रिहेंड करना, तो इसमें भी आजकल तुमने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब से आने से तुम्हारे पास चैटबॉट आने लगी है। तुम जैसे ही टाइप करते हो, वो मशीन अंदर समझती है क्या है और उसके बेसिस पर रिस्पॉन्ड करती है। अरे, वो उतने अच्छे लेवल पर नहीं हो पाया, लेकिन ये बस 5-10 साल की बात है। तीसरी चीज एब्स्ट्रैक्शन, कंसेप्चुलाइज। ओके, इस पर भी बहुत सारा काम हो रहा है एआई में। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और धीरे धीरे इसमें भी चीजें, मतलब हम जो नहीं सोच पा रहे हैं वो उसके हम मॉडल बना देती हैं। ओके, 3D मॉडल बन रहे हैं, किसी सिचुएशन को देख के 3D मॉडल बन जाती है। ओके, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी ये अभी मशीन्स में नहीं आई। ओके, और ये केवल 10-20 साल का ही फासला है। 10-20 साल के बाद मशीन में ये चारों एबिलिटी अच्छे से आ जाएंगी और उस समय वो मनुष्य को ओवर पावर कर देंगे। तो ये बेसिकली वीडियो था तुमको एक आइडिया देने के लिए कि आखिर प्लांट्स, एनिमल्स और मशीन्स, करेक्ट, ये भी इंटेलिजेंट होती हैं कुछ किसी एक लेवल तक। ओके, और हो सकता है कि आगे जाके ये सुपर पावर कर दें ह्यूमन बीइंग्स को, हो सकता है। करेक्ट, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बात है। थैंक यू।